हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी वीक 4 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 5। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीक 5 मींस वीक 4 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 5 क्या दिया हुआ है। राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर इज 1, 2, 3, 4 द रिजल्ट इज 1 + 4 = 5। बोला गया है एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए, जहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर हम लोग इनपुट लेंगे उसका फर्स्ट नंबर और उसका लास्ट नंबर का एडिशन प्रिंट होगा। तो पहले हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिया हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन लिया हुआ है, देन इंट एन, एन जो नंबर हम लोग इनपुट लेने वाला है वो इंटीजर टाइप का डेटा डिक्लेयर किया हुआ है, देन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर वो भी इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि ये हम लोग लॉजिक में यूज़ करने वाला है। देन उसका बाद क्या क्या हुआ है, स्कैन एप परसेंटेज डी कॉमा एम्परसाइन एन, यहाँ पे नंबर को इनपुट लिया गया है, देन यहाँ पे कॉमन लाइन पे लिखा गया है द नंबर इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द टेस्ट केस। नंबर कहाँ से इनपुट लेगा, टेस्ट केस से। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे लास्ट अंडरस्कोर डिजिट इक्वल टू एन मॉड 10 पहले किए, देन क्या करेंगे हम लोग, कॉपी नंबर टू फर्स्ट डिजिट, इसके लिए हम लोग लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर डिजिट इक्वल टू कैपिटल एन देन सेमी कॉमा, देन एंटर करेंगे, देन एक व्हाइल लूप चलाएंगे हम लोग। व्हाइल लूप में क्या लिखेंगे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 10 हुआ तो क्या करेगा, एक ब्लॉक में घुसेगा, इसलिए ब्रासेस ओपन किए, देन एन इज इक्वल टू एन बाय 10 देन सेमी कॉमा, देन ब्रासेस क्लोज होगा, देन फिर से हम लोग किसको कॉल करेंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर डिजिट इक्वल टू कैपिटल एन देन सेमी कॉमा। प्रोग्राम लिखना हो गया हम लोग का, देन हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक करेंगे। कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक किए तो ये अभी कॉम्पाइल हो चुका है। देखेंगे हम लोग कि पब्लिक टेस्ट केसेस पास किया है कि नहीं। हाँ, पब्लिक टेस्ट केसेस पास हो गया। तो आप लोग, हम जो प्रोग्रामिंग किए, आप लोग ध्यान से देख के टाइप कीजिएगा तो आप लोगों को कुछ गलती नहीं होगा। देन कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक करके देख लीजिएगा टेस्ट केस पास हुआ है कि नहीं। देन सबमिट पे क्लिक करते ही जो प्राइवेट टेस्ट केस रहेगा वो भी चेक कर लेगा। तो सबमिट पे क्लिक किए तो देखिए प्राइवेट जो टेस्ट केसेस था वो दोनों भी पास कर गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।